हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आर फाइन। बेटा आप लोग सभी अच्छे से होंगे। और इस समय जो हमारा समय चल रहा है, ये थोड़ा सा कठिनाई होगा, इस समय है। ठीक है, अपने घर पर रहकर आप लोग पढ़ाई करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, ऐसा है कि आप लोग काम अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रखेंगे। तो बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट हमारे फर्स्ट है, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और इसके अंदर चैप्टर फोर है हमारा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस शुरू करते हैं, क्योंकि प्रीवियस जो चैप्टर है हमारे हमने कर चुके हैं। ठीक है, इसकी वीडियो मैं जल्द ही आपको पास भेज दूंगा। तो सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। कुछ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। कंडक्टिव प्रॉपर्टी है, अगर सिंपल भाषा में कहें तो कंडक्टिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, कंडक्टर है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करूंगा। नंबर वन ये होगा, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है वो हमारे पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो यह आएगा इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर, एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। क्या कहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड इज एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर है ना, मान लीजिए पास कंडक्टर आई, कंडक्टर वहां कंडक्टर कैसा भी हो सकता है, जरूर नहीं वहां पर किस प्रकार से कंडक्टर ये भी हो सकता है। और मान लो सपोज मैंने एक कंडक्टर ले लिया, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड रख लिया। देखिए मान लो ए बी सी डी, मैंने क्या ले लिया, कंडक्टर ले लिया ए बी सी डी एक कंडक्टर ले लिया कंडक्टर। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हम इसके डिस्कस भी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज है। मान एक फील्ड पे पॉजिटिव लगा दिया, एक फील्ड पे नेगेटिव। हाँ, यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे जाती हैं, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे जाती हैं पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज कर जाएंगी। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन हमने यूनिट नंबर फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है कि यहाँ पे ना नियर फेस का, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके नियर फेस की दिशा से अमाउंट होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर क्या जाएगा, पॉजिटिव। तो इस कंडक्टर के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन थे ऑलरेडी, फ्री चार्ज है। ये क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मतलब हम ये कहें कि इसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये न्यूट्रल है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अटैक करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अटैक करेगा। और चार्जिंग बाय इंडक्शन से क्या होगा, ये इस प्रकार से कंडीशन शो करेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे जो ए बी फेस की तरफ, ए बी फेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बी बी सी डी फेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं इसको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आए और इसके अंदर क्या फील्ड आया, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आया ई पी। तो इसके अंदर फील्ड सेटअप हो गया, देखो इसके अंदर भी एक फील्ड सेटअप हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव, पर नेट ओवरऑल इफेक्ट है दोनों का। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, वो क्या रहेगा, ई पी इज पर ई इज पर टू, जितना ई है ना उतना ही हमारे पास क्या रहेगा, ई पी रहेगा। बिकॉज जितना ई है उतना ही क्या रहेगा, ई पी। तो ये बात देखो, मेरे पास अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नेट, वो अंदर मान लो ई नोट आया, ई नोट आएगा मेरे पास, या यहाँ पे ई नोट मान लेता हूँ ई नोट। ठीक है, तो E इज इक्वल टू आया E नोट में से क्या घटा दूँ ई पी, तो ये वैल्यू क्या है, E नोट ई पी क्या है बराबर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या आया, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या आएगा, कंडक्टर के जीरो। तो यही तो हमने पढ़ा है, यही तो हमारे पास सेटिंग थी कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर, ये कंडक्शन E नोट ई पी। तो
अगर ऊपर की तरफ हमने जो लगा रखा ना ऊपर, यानी कि आपके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है, उतनी ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाए, मान लीजिए हमारे पास 10 न्यूटन पर कूलम थी और 10 ही अंदर क्रिएट हो जाए, तो 10 में 10 जाएगा तो 0, तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी आई, 0। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर की फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, अब इसको अच्छे से अपने नोट कर ले। ठीक है, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जीरो दिखा दी। सेकंड कंडीशन क्या थी यहाँ पे, सेकंड नंबर। ठीक है, आप लोगों ने डायग्राम बना लिया, इसको रुक कर दो। ठीक है, अब देखो सेकंड कंडीशन क्या होगी। सेकंड कंडीशन में क्या है वो देखते हैं, क्योंकि हम चार पांच कंडीशन इससे पढ़ने पर नहीं पढ़ेंगे, तभी हमें आगे समझ में आएगा। ठीक है, सेकंड आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द, इज पर पेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट। यह आपका नंबर है सेकंड, सेकंड नंबर है, इसको अच्छे से नोट कर लें। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर। कोई मेरे पास चार्ज कंडक्टर है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सुपर स्पिन करके, पॉजिटिव चार्ज मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी वो ग्रेटर देन जीरो है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यहाँ पे सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी तो लेस देन जीरो है। ठीक है, जब सरफेस चार्ज डेंसिटी ग्रेटर देन जीरो है, इसमें तो पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड मूवमेंट, आउटवर्ड आउटवर्ड जा रही कंडक्टर से, और नेगेटिव है तो अंदर आ रही है, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन्स आउटवर्ड जाती है, नेगेटिव तरफ आती है। ठीक है, तो ये देखिए हमने, तो क्या कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड चार्ज कंडक्टर, ये चार्ज कंडक्टर जस्ट आउटसाइड है। ठीक है, तो वो आगे हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द चार्ज कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी परपेंडिकुलर होगी, क्या होगी ये परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल होगी टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की हमेशा क्या रहेगी नॉर्मल। मान सपोज फिर मेरे ये हथेली है, ठीक है, अब हथेली है इस प्रकार से, तो अब यहाँ पे देखो हमें, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे आएंगे, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तो बिल्कुल ऐसे आउटवर्ड, नेगेटिव होता तो ये अंदर की तरफ आती। ठीक है, ये आउटवर्ड जा रही है और ये अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है, अब देखो मान लो सपोज करो मैं टेंजेंट रिप्रेजेंट करूँ, इस लाइन पे क्या रिप्रेजेंट करूँ टेंजेंट, इस प्रकार टेंजेंट रिप्रेजेंट कर दिया, टेंजेंट रिप्रेजेंट करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बनेगा थीटा, एंगल कितना बनेगा थीटा। मान लो सपोज करो पी कोस थीटा इज इक्वल टू क्या है जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर तो तभी होगी, हमें इस परपेंडिकुलर शो करना है इसको, तो परपेंडिकुलर शो करने की आउटवर्ड नॉर्मल जा रही है, तो हमने क्या देखना है यहाँ पे, ये देखना है पी कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है तो जा रही है, नेगेटिव चार्ज है तो आ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो नहीं सकता, तो जीरो क्या होगा कोस थीटा, क्या होगा कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होगा कोस थीटा जीरो, और कोस थीटा जीरो की थीटा इक्वल कितनी आती है, कोस थीटा जीरो होता है तो थीटा इक्वल कितनी आएगी 90 डिग्री, भाई कोस थीटा जीरो, जीरो कब होता है कोस थीटा जब थीटा इक्वल कितनी आए हमारे पास 90 डिग्री, और जब इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री होते ही क्या हो गया कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी भी कंडक्टर पर क्या होगी नॉर्मल होगी, जस्ट परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होती है चाहे वो आ रही हो चाहे ये आउटवर्ड जा रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टी थर्ड की बात करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर थ्री, हमने टू प्रॉपर्टी पढ़ी है। ठीक है, पहला हमने पढ़ा कि कोई भी कंडक्टर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है जीरो, और सेकंड हमने देखी यहाँ पे सेकंड देखी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइंस वो आउटवर्ड होती है किसी कंडक्टर की, नॉर्मल आउटवर्ड होती है परपेंडिकुलर होती है,
और थर्ड प्रॉपर्टी हम देखेंगे अभी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या क्या है, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जीरो थी, कोई भी कंडक्टर था उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बड़ी था, हमने जीरो हमने ये कंडक्टर लगाया था, ठीक है। और इसको देखा था हमने कि यहाँ पे क्या लगाया था, यहाँ लगाया प्लस चार्ज, यहाँ नेगेटिव, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे ई नॉट, और इसके अंदर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव आया था, नेगेटिव 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 और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो नेट नेट फील्ड यहाँ आया था जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो हमने देखा अकॉर्डिंग टू क्रॉस थ्योरम, यहाँ क्रॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, ठीक है, या इसको प्रूव करके दिखाएंगे हमारे पास साइडिंग आ गई। और अब क्रॉस थ्योरम हमारे पास क्या होती है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल एस ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज इज क्लोज बाय दैट सरफेस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जीरो है, तो हमने क्या कर दिया, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, और जीरो रखने के बाद क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो, कुछ नहीं किया, देखो ई की जगह हमने क्या रख दिया जीरो, क्यू इज इक्वल क्या जीरो, अभी एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा, फिर क्या आ जाएगा जीरो, चार्ज क्या होगा अंदर जीरो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसको, तो देयर इज नो चार्ज इन साइड द कंडक्टर, ठीक है, नेट चार्ज यहाँ पे क्या रहेगा जीरो रहेगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर क्या थी, थ्री, ठीक है, याद समझना है। सॉरी स्टूडेंट्स, आप देखिए प्रॉपर्टी नंबर फोर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट, यहाँ पे पोटेंशियल कॉन्स्टेंट रहेगा थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। कैसे रहेगी, हमने एक बात देखें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ई इज इक्वल टू क्या था आप लोग के पास जीरो इनसाइड द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी जीरो, तो उसके सरफेस की अगर बात करूँ मैं, तो देखो हमने रिलेशन पढ़ा था, कौन सा रिलेशन, ई इज इक्वल टू माइनस का डी वी बाई डी आर, जस्ट पीछे हमने पढ़ा था, ये किस किस का रिलेशन था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। अब एक बार बताओ यहाँ पे ई जीरो है, तो मेरे पास क्या आएगा माइनस का डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस टर्म को इधर लेके जाओ, क्या आया यहाँ पे आया डी वी माइनस टर्म भी उधर लेके जाओ इज इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि स्मॉल स्मॉल वोल्टेज है किसी भी सरफेस की, यहाँ पे मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ नेगेटिव चार्ज रखा है, यहाँ पॉजिटिव रखा है, यहाँ नेगेटिव है, किस प्रकार से, ठीक है। तो समान समान पोटेंशियल है, ठीक है, मैं टोटल पोटेंशियल कर दूँ, टोटल पोटेंशियल में इंटीग्रेशन करूँगा, मेरे पास क्या आएगा V इज इक्वल टू, किसी भी स्मॉल पॉइंट का इंटीग्रेशन करते हो ना, तो वो आ जाएगा टोटल V, और यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट टर्म आएगी यहाँ पे, इसको क्या कहेंगे कॉन्स्टेंट, जीरो क्या होता है यहाँ पे कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसका मतलब है ना, तो स्टैटिक पोटेंशियल है वो थ्राउट एंड वॉल्यूम, कंडक्टर का वॉल्यूम होता है उसके ऊपर सभी के ऊपर क्या होता है कॉन्स्टेंट बन जाएगी पोटेंशियल, पहले क्या आएगी कॉन्स्टेंट, क्योंकि हमें पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी का होती है इनसाइड कंडक्टर जीरो, सरफेस के ऊपर पोटेंशियल रहेगा वो कितना रहेगा आपके पास कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल लिया, इजी वे से हम इसको देख लो, क्लियर है। अब नाउ लास्ट प्रॉपर्टी देखते बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी चार्ज कंडक्टर के ऊपर, उसकी इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एम कैप, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन किस तरफ है। तो एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, जस्ट इनसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर देखो यहाँ पार्ट इसके अंदर है, मान लो हमने गॉसियन सरफेस मान लिया सिलेंड्रिकल, एक गॉसियन सरफेस मान लिया कि मैंने इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल मान लिया, सिलेंडर जैसे मेरे पास ये हमारे पास क्या है एक मार्कर पेन है, ये सिलेंड्रिकल ले लिया, इसको मैंने इस तरह कर दिया, इस सिलेंडर के अंदर इस कंडक्टर के अंदर इस प्रकार रख दिया, हाफ इसके अंदर हाफ इसके बाहर, तो अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी जीरो, क्योंकि अंदर अंदर वाले पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी क्या आ गई जीरो। मैंने कहा था सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी हमेशा क्या होती है जीरो होती है, अंदर वाले पार्ट में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया, एज द चार्ज इन्फ्लोज बाय द लिमिट्स, अब हमें चार्ज देखना है कि इसके ऊपर क्यों चार्ज है लिमिट्स, अब बाहर की वाले सरफेस की बात करूंगा मैं, तो चार्ज इसके ऊपर रहेगा क्यों, चार्ज होता है मेरे पास सरफेस चार्ज होता है सिग्मा, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, और मुझे चार्ज निकालना होता क्या करूँ सिग्मा इंटू एरिया, तो सिग्मा हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू में डी एस, डी एस मतलब समान सरफेस एरिया है सिलेंडर या इस जो एलिमेंट्स का ले रखे एलिमेंट्स लेकर बाहर इसका, तो चार्ज आ गया इस एलिमेंट्स के ऊपर सिग्मा इंटू में डी एस समाल एरिया लेकर, क्योंकि तो बहुत बड़ा एरिया है, तो हमने समाल एरिया के ऊपर चार्ज निकाल लिया बाई अप्लाइंग द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन क्या होती है, यहाँ पर मैंने दिखाया आप लोगों को, गॉस थ्योरम होती है ई डॉट डी एस रूट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समाल सरफेस के लिए सरफेस एरिया डी एस है, तो इसके लिए एरिया। अब जब डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो एरिया वेक्टर
और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल है, दोनों नॉर्मल है, एक डायरेक्शन में। तो इस देखो जब पैरेलल जा रही होता है एंगल जीरो होता है, तो ई डी एस कोस जीरो, कोस जीरो की वैल्यू होती है वन। तो चार्ज इज एरिया सिग्मा इंटू डी एस, तो सिग्मा इंटू डी एस एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ कर दिया ई डी एस इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चार्ज इज गया था ये टर्म्स डाल थी, चार्ज इस चार्ज की जगह ये टर्म्स रख दी, ठीक है। अब देखो डी एस से डी एस गया, हमारे पास बची क्या ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास फ्रेंड फील्ड में आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी सरफेस से कैसे नॉर्मल, नॉर्मल दिखाने के लिए मैंने यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, डायरेक्शन दिखाने के लिए मैं यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट यहाँ पे करूंगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड यूनिट वेक्टर, ठीक है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दी। तो ये हमारी पांच प्रॉपर्टी थी, फाइव प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, एलिवेटेड कैपेसिटी विद कंडक्टिंग स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो उसके अंदर कैपेसिटी निकालने के लिए हमारे पास यूज आएंगी। अदरवाइज हमें ये पता ही नहीं होगा कि भाई यहाँ पे वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कनेक्ट में जीरो क्यों होता है, ठीक है, चार्ज जीरो क्यों होता है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन रहेगा। तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने सारी बातें डिस्कस की, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे, अब जब हमारे पास टॉपिक आएगा, हमारा जैसे नाम है कैपेसिटेंस, अब हम कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए आप, सो डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज रिलेटेड टू इट्स एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी इन स्मॉल स्पेस। अगर हम क्या कहें, एबिलिटी टू कंडक्टर या किसी भी डिवाइस, एबिलिटी टू डिवाइस विच स्टोर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या एनर्जी स्टोर्ड इन स्मॉल स्पेस। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊँ कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर हमारे पास ही होता है, ये कैपेसिटर होता है जो फैन के अंदर लगे होते हैं, इसको ये होता है हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, जो सिलेंडर बनाया सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है हमारे पास। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कैसा होता है, अभी इसको मैं लिखूंगा, तो सिलेंड्रिकल इस प्रकार लिखूँ, ये सिलेंड्रिकल, एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। ये सिलेंड्रिकल ये आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसको सिलेंड्रिकल में, और ये स्फेरिकल, ये आपका स्फेरिकल कैपेसिटर। तो थ्री टाइप्स के कैपेसिटर होते हैं, ठीक है। ये जो पढ़ रहे हैं हम, ये आपका क्या है, देखो इसके अंदर स्मॉल स्पेस है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी या चार्ज को स्टोर करने करता है, तो ये हमारे पास क्या है, हमारा कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर के बारे में समझा, लेट क्यू, मान लो सपोज करो मेरे पास चार्ज क्यू है, क्यू भी द चार्ज ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का चार्ज मैं क्या मान लेता हूँ, क्यों मान लेता हूँ, रेज इट्स पोटेंशियल बाय वी। अब मैं किसी भी भाई कंडक्टर या कैपेसिटर के ऊपर क्या करूँगा, चार्ज दूंगा तो उसका पोटेंशियल रेज होगी, चार्ज दे रहा हूँ किसी भी कंडक्टर के ऊपर तो उसकी क्या है, पोटेंशियल क्या हो रही है, रेज हो रही है, देन क्यू डायरेक्टली अपॉन टू वी, ठीक है। चार्ज ऑफ ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर में क्या कर रहा हूँ, चार्ज दूंगा तो क्या होगा, रेज उसकी उसकी पोटेंशियल रेज होगी, क्या होगी, पोटेंशियल रेज होगी और वो वी होगी। तो देखो रिलेशन क्या आया, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, चार्ज है वो डायरेक्टली अपॉन पोटेंशियल, चार्ज हो रहा है पोटेंशियल रेज हुई, बड़ी बड़ी ना, तो हमारे पास क्या आया, क्यू इज इक्वल टू सी वी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हम इसे सोल्व करते हैं, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, सी वी। और यहाँ पे सी है कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, सी है हमारे पास क्या है, एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस सी होती है। और अगर मैं यहाँ सी निकालना चाहूँ, तो एक ग्राफ होता है हमारे पास, जब हमारे पास कंडीशंस इक्वल होती है ना, जब रेज हो रहा है हमारे चार्ज के साथ पोटेंशियल रेज हो रहा है इक्वल, तो हमारे पास एक लीनियर ग्राफ आ रहा है, कैसे ग्राफ आ रहा है, ये एक लीनियर ग्राफ आ रहा है, लीनियर कैसे ग्राफ आ रहा है, लीनियर ग्राफ आ रहा है। देखो क्यू और वी का ग्राफ कैसा है, लीनियर, जैसे ओम्स लॉ में हमारे पास आता है वी आई ग्राफ, वी और आई का ग्राफ आता है ओम्स लॉ के अंदर, तो यूनिट नंबर सेकंड पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसी प्रकार से वी और क्यू का ग्राफ आ रहा है हमारे पास एक लीनियर, ओके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो ये देखना चाहता हूँ कि भाई हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है सी की वैल्यू, क्या निकालनी है हमें, सी की वैल्यू निकालनी, सी इज इक्वल टू क्या आ जाए, वी को इसलिए चलेगा क्यू बाई वी, सी इज इक्वल टू क्या आ गया होती है जरा, क्यू बाई वी। अब यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्ज करंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, भाई कितना चार्ज है, कितना चार्ज दे पोटेंशियल, कितना रेज हो रहा है, कितना
चार्ज से कितना पोटेंशियल रेज हो रहा है उनका रेशियो है वो आपका क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, या कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने देखा रेशियो, आप हमने इसकी डेफिनेशन निकाली कैपेसिटेंस की, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी निकालनी है मुझे तो एज द रेशियो, हमें निकाला था रेशियो किस किस का, चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस का, कितना पोटेंशियल रेज किया है, तो कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू द रेज इन पोटेंशियल, कितना हमारे पास चार्ज है और कितना रेज कर रहा है पोटेंशियल, इन दोनों का रेशियो हमारे पास क्या कहलाएगा कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर कहलाएगा, क्लियर है। अब हम इससे सही मान लो दैट अगर हमने देखना है कि अगर यहाँ पे क्यू की वैल्यू मान ले लूँ और वी की वैल्यू मान मान लूँ, मैं कितना चार्ज लूँ कितना पोटेंशियल मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी क्या है देखिए यहाँ पे, अगर मान लो इफ है वी इज इक्वल टू वन, इफ इक्वेशन नंबर इसको डाल दो फर्स्ट, इफ वी इज इक्वल टू वन, पोटेंशियल क्या ले लिया मैंने वन ले लिया, पोटेंशियल वन लिया है, ठीक है, तो पोटेंशियल वन लिया है देन सी किसके बराबर आया क्यू के बराबर, कैपेसिटेंस किसके बराबर आया उसकी चार्ज के बराबर आया, ठीक है, कैपेसिटेंस आया चार्ज इक्वल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी के बराबर देखो यहाँ पे तो इसकी डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन लिखो देखिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि वन वोल्ट अगर मैंने लिया इफ पी इज इक्वल टू वन, अगर मैंने क्या ले लिया पी इज इक्वल टू वन ले लिया, किस इक्वेशन की बात कर लेते हैं हम, हमारे पास क्या था सी इज इक्वल टू क्या था यहाँ क्यू इज इक्वल टू सी, क्यू इज इक्वल टू क्या था सी भी था ये था ना, अगर मैंने क्या कर दिया यहाँ पे विक्की ले लिया वन रख दिया यहाँ पर रख दिया सी विक्की ले लो, मेरे पास क्या है भाई सी इज इक्वल टू क्यू, सी इज इक्वल टू बराबर है क्यू के बराबर, अगर यूनिट पोटेंशियल ले लिया पोटेंशियल की वैल्यू यूनिट ही ले ली यहाँ पे, तो देखो हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी आई, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ एक कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी किसी कंडक्टर की होगी न्यूमेरिकल इक्वल टू, न्यूमेरिकल इक्वल किसके रहेगी न्यूमेरिकल इक्वल टू द चार्ज रिक्वायर्ड, द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल इट्स यूनिटी, पोटेंशियल को यूनिटी करने के लिए कितने चार्ज की जरूरत पड़ेगी, पोटेंशियल को यूनिटी करने के लिए कितने चार्ज की क्या अपनी हमें जरूरत पड़ी, वो इसकी कैपेसिटेंस होगी, किसके बराबर होगी इसकी कैपेसिटेंस की, देखिए डेफिनेशन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज न्यूमेरिकल इक्वल टू, न्यूमेरिकल इक्वल टू द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल इट्स यूनिटी, अगर चार्ज किसकी भैया हमारे पास पोटेंशियल यूनिटी करने के लिए कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट हमें चाहिएगी, ठीक है। याद अब बात करते हैं एस आई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की जो एस आई यूनिट होती है वो फैराड होती है, कैपेसिटेंस की एस आई यूनिट क्या होती है फैराड होती है, फैराड होती है तो सीधी सी बात है इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब डेफिनेशन देंगे वन फैराड की, क्या देंगे हम डेफिनेशन वन फैराड की, साथ साथ आप लोग अपने स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, ठीक है, अपने स्क्रीन शॉट ले लिया साथ ही साथ, तो एस आई यूनिट होगी। अब वन फैराड की डेफिनेशन देखो वन फैराड, तो वन फैराड करनी है आपको, तो हमें सी इज इक्वल टू क्या था सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, सी इज इक्वल टू क्या था क्यू बाई वी, ये होता है ना सी इज इक्वल टू क्यू बाई, तो हमने क्या किया था यहाँ पे चार्ज की यूनिट होगी वन कूलम स्टैंडर्ड एस आई यूनिट, और पोटेंशियल होगी वन वोल्ट, वन कूलम डिवाइड बाई वन वोल्ट, वन कूलम पर वोल्ट, तो वन कूलम पर वोल्ट यानी वन कूलम और वन वोल्ट, तो ये हमारे पास वन फैराड के है। अगर मैं वन वोल्ट या वन कूलम चार्ज अप्लाई करूँ और वो वन वोल्ट क्या करे उसको पोटेंशियल को रेज कर दे तो उस समय वैल्यू आएगी वन फैराड आएगी। देखिए यहाँ डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे एक कंडक्टर इज सेड टू बी हैव टू हैव ए कैपेसिटी ऑफ वन फैराड, वन फैराड जब किसी कंडक्टर की कैपेसिटी वन फैराड कब होगी व्हेन ए चार्ज इज वन कूलम रेज, जब क्या करूँ एक कूलम चार्ज रेज कर रहा है पोटेंशियल बाई वन वोल्ट, किसी की पोटेंशियल कर रहा है वन वोल्ट को उसको क्या कर रहा है रेज कर रहा है, उस समय हमारे पास क्या होगा वन फैराड वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारी स्मॉल यूनिट बिगर यूनिट होती है डायमेंशन फार्मूला क्या होता है कैपेसिटी की, और देख लो डायमेंशन फार्मूला ऑफ डायमेंशन फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस समारोह बिगर यूनिट होती है या फिर वन माइक्रो फैराड इज इक्वल टू टेन टू पावर माइनस सिक्स फैराड, ये छोटी यूनिट होती है, वन मिली फैराड इज इक्वल टू टेन टू पावर माइनस का थ्री फैराड, इस प्रकार से आती है, ठीक है। मैथ ये आगे आपके पास माइक्रो कूलम माइक्रो फैराड होती है ना, ठीक है। इसके बाद डायमेंशन फार्मूला क्या है, देखिए डायमेंशन फार्मूला क्या रखता है, सी इज इक्वल टू क्या लिखा था क्यू बाई वी, सी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे क्यू बाई वी, और चार्ज का डायमेंशन फार्मूला क्या होती है
चार को क्यू लिख लें, क्यू डिवाइड बाई वी क्या होता है डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बाई क्यू, और यहाँ क्या आएगा क्यू स्क्वायर बाई डब्ल्यू। वोल्टेज कहते हैं पोटेंशियल होता है वर्क पर यूनिट चार्ज होता है ना, तो हमने यहाँ पर क्यू स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ पे तो सी की क्या ही होता है उस मामला, चार्ज होता है एट्टी, एट्टी का सुखे पूरे का डिवाइड बाई हमें देखें वर्टन, वर्टन का फॉर्मूला क्या होती है एम एल टू टी माइनस का टू, क्या होता है एम एल टू टी माइनस का टू। इस टर्म्स ऊपर ले जाओ, एम ऊपर जाएगा तो एम की पावर माइनस का आएगा, एम ऊपर जाएगा तो एम की पावर क्या होती है माइनस का, और एल की पावर क्या होती है माइनस का टू, और एल की पावर माइनस टू, और टी की पावर देखो टी की टू तो ये है माइनस की और प्लस की है, तो टी की ऊपर जाएंगे फोर हो जाएगी, और आपके पास एक की यहाँ स्क्वेयर है इनका दोनों एक टी का होल स्क्वेयर है, पर एक की पावर टू ये आएगा एम की पावर माइनस वन, एल की पावर माइनस टू, टी की पावर फोर और एक की पावर टू। ये आपको क्या रहेगा, ये आपका डायमेंशनल फार्मूला रहेगा किसका कैपेसिटेंस का, ये आपका कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला रहेगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से देख लीजिए, ओके। सो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। हमारे अर्थ हो गए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, हमने मान लिया कोई कंडक्टर मान लिया, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये पॉजिटिव चार्ज है ना वैसा ये हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर के ऊपर कंसेंट्रेट है, टोटल चार्ज यहाँ पे कंसेंट्रेट है यहाँ सेंटर के ऊपर, यहाँ किसी भी पॉइंट यहाँ लगा लो यहाँ हर पॉइंट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ रेडियस क्या होगी इसकी आर। तो मैं एनी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ इसकी स्फेयर जो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है उसके ऊपर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहूँगा तो मेरे पास पोटेंशियल क्या आएगा क्यू अपॉन फोर पाई नोट। देखिए ओ इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर, ओ मैंने सेंटर मान लिया, आर इज द रेडियस ऑफ आइसोलेटेड स्फेयर मान लिया, लेट प्लस क्यू चार्ज है वो क्या करता है चार्ज गिवन टू द स्फेयर, यानी कि इस चार्ज गिवन करते हैं इस स्फेयर के ऊपर हमने चार्ज प्लस क्यू दे रखा है, ठीक है स्प्रेड हो रखा है इस पर, पर ये नाउ होल चार्ज बिहेवियर कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर, ये पूरे का पूरा चार्ज जो कंसेंट्रेट किसके ऊपर सेंटर के ऊपर। फिर मैंने क्या किया सो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, मैंने पोटेंशियल माना एट एनी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द स्फेयर, पोटेंशियल निकालना है पोटेंशियल फार्मूला आपको पता है टोटल चार्ज क्यू है और डिस्टेंस कितनी मान किसी भी पॉइंट पर मैं निकाल रहा हूँ पोटेंशियल क्या है क्यू अपॉन फोर पास नोट का क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर है रेडियस किसी भी पॉइंट पे निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। और एज हमें पता है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या होता है सी इज इक्वल टू क्यू बाई, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक है। अब क्या करना हमें कि हमें क्यू की वैल्यू तो वही हमें दे रखी है और वी हमने अभी अभी निकाला है पोटेंशियल, अब क्यू डिवाइड बाई इसकी करेंगे फोर पाई नॉट आर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर हम क्या करेंगे क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो हमने देखा सी की वैल्यू आई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखिए फोर की वैल्यू फोर तो फोर होती है सीधी सी बात है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 या 22/7 भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 12, ये भी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। जब ये वैल्यू आपके पास फिक्स है तो आप मुझे ये बताइए कि ये टर्म्स कॉन्स्टेंट आ गई तो हमने क्या करते हैं सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इसका मतलब ये हुआ लार्जर इज द रेडियस, लार्जर द रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की रेडियस बड़ी होगी मान लीजिए यहाँ पे और बड़ी हो जाती है यहाँ पे इस प्रकार से और बड़ी हो जाती तो स्फीयर की रेडियस क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटी भी क्या हो रही है इसकी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर तो ग्रेटर इज कैपेसिटेंस, अगर आर की वैल्यू इंक्रीज होती है तो कैपेसिटी इंक्रीज होगी, अगर आर की वैल्यू डिक्रीज होती है तो कैपेसिटेंस क्या होगी डिक्रीज होगी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। अब बात है अर्थ कैपेसिटी की, अगर हम बात करूँ अर्थ कैपेसिटी, देखिए अर्थ की कैपेसिटी कितनी होगी, अर्थ कैपेसिटी हमारी अर्थ है वो भी एक स्फेरिकल है, अर्थ है वो क्या है स्फेरिकल कंडक्टर है तो इसकी कैपेसिटी क्योंकि अर्थ ऐसा ही है कि मान लो एक अर्थ ही है हमारे पास, अर्थ कितने वेव पर है, ठीक है। तो हमारे पास अर्थ की जो कैपेसिटी आएगी भाई रेडियस ऑफ अर्थ होता है, रेडियस ऑफ अर्थ होगा 6600 किलोमीटर, इसको मीटर बदलेंगे तो 6.4 × 10^6 मीटर ये आ जाएगी 6 मीटर, ठीक है ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमें 6600 किलोमीटर को, ठीक है। अब ये वैल्यू पता है तो सी क्या आएगा हमारे पास सी, तो सी की वैल्यू हम निकालेंगे तो देखो सी की वैल्यू कितनी होगी भाई 1/9 × 10^9 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आएगी
इसके अंदर 6400 की वैल्यू आउटपुट कर दूंगा, तो ये 6.4 गुना में 10^6, तो ये वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ आपको, ये आएगी 0.711 मल्टीप्लाई 10^-3 फैराड आएगी, या इसको हम क्या कर सकते हैं माइक्रो फैराड में चेंज कर देंगे, गुना में 10^6 माइक्रो फैराड, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे तो हमारे पास आएगी ये 711 माइक्रो फैराड। अर्थ की जो कैपेसिटी है वो बेटा डियर स्टूडेंट्स, अर्थ की जो कैपेसिटी होती है वो होती है आपके पास 711 माइक्रो फैराड, ठीक है। यानी कि हमारे पास बिगेस्ट है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, दस द कैपेसिटी ऑफ अर्थ विच इज द बिगेस्ट स्फीयर वी कम अक्रॉस ओनली 711 माइक्रो फैराड, यानी कि अर्थ कितनी बड़ी है, अर्थ बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, और इतनी ज़्यादा लार्ज है तभी इसकी कैपेसिटी कितनी है 711 माइक्रो फैराड, क्योंकि रेडियस अकॉर्डिंग हम इसको निकाल के देखते हैं। आई होप आप लोगों की लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे लेक्चर में आप लोगों को बार बार देता रहूँगा, ठीक है। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।